नमस्कार, पंजाबी टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं कमल सिंह। पाकिस्तान हमेशा से आतंक का गढ़ रहा है। आतंकी वहां पे अपना पनाह लेने के लिए पाकिस्तान को सबसे अच्छी जगह मानते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में कुछ नया होने वाला है। पाकिस्तान में अब एक आतंकवादी राजनेता बनने वाला है। दरअसल हाफिज सईद, जिसका संगठन है जमात उद दवा, ये अब पाकिस्तान की सियासत में सक्रिय होने वाला है। दरअसल 25 जुलाई को पाकिस्तान आम चुनाव में जाने वाला है और इससे पहले ही हाफिज़ सईद ने ऐलान किया है कि इस चुनाव में उसके 200 प्रत्याशी मैदान में होंगे। यानी कि अब कहीं ना कहीं हाफिज़ सईद पाकिस्तान की सियासत में सक्रिय होता हुआ नज़र आ रहा है और खुल के सामने आ रहा है। हालांकि उसने ये कहा कि अभी वो चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन 200 कैंडिडेट उसके जो हैं वो आम चुनाव में मैदान में होंगे। आतंकी हाफिज़ सईद का संगठन जमात उद दवा पाकिस्तान के राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभा सीटों पर 25 जुलाई को होने वाले आम चुनाव में 200 से ज़्यादा उम्मीदवार खड़े कर रहा है। हालांकि आतंकी सईद ने खुद चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। बता दें कि हाफिज सईद 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। लश्कर ए तोयबा आतंकी संगठन का हिस्सा जमात उल दवा ने अपना राष्ट्रीय दल मिल्ली मुस्लिम लीग शुरू की है, लेकिन अभी तक यह पाकिस्तान निर्वाचन आयोग में पंजीकृत नहीं है। आम चुनाव के करीब आते ही इसने एक निष्क्रिय राजनीतिक दल अल्लाहु अकबर तकरीर के नाम से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जो आम चुनाव में पंजीकृत है। आपको बता दें कि 25 जुलाई को पाकिस्तान में आम चुनाव है और जिसके लिए हाफिज सईद ने अपने 200 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंचायती टाइम। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरें हम आपको YouTube और Facebook के जरिए पहुंचाते रहते हैं। हमारा वीडियो अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।